सभा पे मंच पे उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों को नमस्कार, उसी तरह मेरे मीडिया दोस्तों को नमस्कार। आज सारा भारत देख रहा है किस तरह टीआरएस और एमआईएम मिलके हमारे लोकप्रिय यशस्वी हिंदू उदय सम्राट गोस्वामी के विधायक मेरे भाई राजा सिंह को अरेस्ट किया है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इस सिलसिले में श्रीराम युवसेना ने हम सब मिलकर कल 3 तारीख को गोस्वामी विधानसभा को बंद करने का ऐलान किया है। इस बंद काल को गोस्वामी के कम से कम 55 ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं और सभी मई गोस्वामी के जितने भी बिजनेस है सब भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि ये बंद काल पूरा अपन सक्सेस कराएंगे। और इससे पहले भी हम कई बार हमारे एमएम लीडर्स हमारे हैदराबाद के अंबानी ब्रदर्स है, एक असद अंबानी है एक अकबर अंबानी है, आप सुन चुके शायद इससे पहले असद अंबानी ने क्या कहा था, मोदी चले जाएंगे और योगी गुफा में चलाएंगे, आपको बचाने वाला कौन है। उसी तरह असद अंबानी ने भी भाई आप 100 करोड़ है हम 30 करोड़ है, 15 मिनट पुलिस को हटाए तो क्या होने वाला बोल के भाई। जब मैं हमारे हमारे पुलिस से टीएस के पुलिस से मैं निवेदन करता हूँ भाई, क्या जब आपके कान बंद हो चुके थे ऐसी बात करने उनका रिस्क ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि टीएस पुलिस नहीं बल्कि ये टीआरएस की पुलिस है। मैं फिर एक बार सभी हमारे भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ये पूरा चाल हमारे केटीआर और केसीआर कर रहे हैं, एमआईएम के हाथों में वो कठपुतली बन गए चुके हैं। जैसा चांदमार है, चांदमार पे 4 जनों को बिठा दिए, एक केटीआर है एक केसीआर है कविता है हरीश राव है, ऐसा खेल खेल रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे भाई को रिलीज होना और उनका स्वास्थ्य ठीक रहना। और मैं टीआरएस लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर शेर 2 कदम पीछे हटा तो कमज़ोर नहीं होता, वो और आगे उसको कड़क पंजा मार के और सख्त हो जाता है। जय श्री राम। मौका देने को धन्यवाद।